नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। एक और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट के साथ आपका चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, अपने घर पे रहें और देश का सहयोग करें और इस वायरस से बचने अपने आप को बचने में अपने अपनी अपनी सहायता करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सबसे पहली अपडेट जो है इग्नू की वेबसाइट पे, ये है कि जो ओपन मैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी एंड ओपन मैट एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का था, उसकी जो जुलाई 2020 के लिए उसकी डेट एक महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है एक्स्ट्रा। तो पहले जो 23 मार्च था, 23 मार्च से 27 मार्च किया गया था, लेकिन अब पूरी तरह से इसको एक महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब इसमें बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। जो इसके एग्ज़ाम होने थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट, जो हॉल टिकट आने थे उसके हॉल टिकट की डेट में सारे चीज़ें बदल जाएंगी, जो कि फाइल हैंडलर में दी हुई है दोनों के, पीएचडी और एमफिल और पीएचडी और जो एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले। तो इसमें जो आपकी जो यहाँ पर जैसे कि एडमिट कार्ड्स अवेलेबल 9 अप्रैल को वो भी बदल जाएगा, क्योंकि वो 29 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था वो भी बदल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो कि डेट ही 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। 29 अप्रैल को एग्ज़ाम कैसे तो होगा? दोस्तों, ये सारी अपडेट हैं, इसमें ये सब अपडेट होने वाली हैं। पहली बात तो दोनों पीएचडी और एमबीए दोनों में ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 अप्रैल तक। तो दोस्तों, ये पहली अपडेट थी जो आप लोगों को बतानी थी। और इग्नू में बहुत सारी सेवाएं रोक दी गई हैं, जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी मटेरियल में दोस्तों के साथ साथ जो आपका जून दिसंबर 19 में जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया उनका सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ग्रेड कार्ड ओरिजिनल, सभी सेवाएं बाधित हैं अभी जो फुल्ली लॉकडाउन की वजह से, तो वो सारी रुक गई हैं। इसके लिए अगर आप जो नए स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं इग्नू में, अगर वो पढ़ना चाहते हैं घर पे बैठ, तो ई ज्ञान कोर्स इग्नू की वेबसाइट है जो कि अवेलेबल है 24/7। तो यहाँ से अपना प्रोग्राम सर्च करके जो भी प्रोग्राम है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका यहाँ से आपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ई कंटेंट ऐप है इग्नू का, वहाँ से भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका भी कैसे आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल लैपटॉप जो भी पीसी वगैरह है, वहाँ से मैं आपको इसका वीडियो का लिंक दूंगा। मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख के भी कर सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों के आपसे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सबसे बड़ी चीज़। तो और अपना मटेरियल यहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ते रहें, और साथ साथ जो इग्नू एमएचआरडी है, उन्होंने आईसीटी इनिशिएटिव की तरफ से एमएचआरडी एंड यूजीसी की तरफ से बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से ये इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हो। ये लिंक्स उन्होंने प्रोवाइड किया जो कि इग्नू वेबसाइट पे अलर्ट्स में भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो इग्नू का स्वयं प्रभा है, ये इग्नू स्वयं प्रभा चैनल जो शेड्यूल है वो, उसकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कब कौन सा चीज़ प्रसारण होने वाला है उसको भी आप देख सकते हो आराम से। और ऑनलाइन सर्विसेज, इग्नू की बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बता चुका हूँ, और इसमें उन्होंने क्या क्या उनका ऑनलाइन सर्विसेज है, यहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। अगर कोई और भी सवाल है तो आप, कमेंट बॉक्स ओपन ही रहता है, आप कमेंट करते रहिए, पूछते रहिए अपने सवाल। और इग्नू का फेसबुक पेज है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा भी एक फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, दोनों को आप लाइक करके फॉलो कर लीजिए, और उस पर अपडेट मैं सबसे पहले डालता रहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया है, लेकिन मेरा फेसबुक पेज और जो है इंस्टा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको कोई भी लेटेस्ट अपडेट यूट्यूब से पहले उनको मिल जाती है वहाँ पर। वहाँ पे आप दो, वैसे लगभग सभी में से एक साथ ही करता हूँ, लेकिन उस पर थोड़ा जल्दी हो जाता है तो उस पर मैं डाल देता हूँ। तो आप उसको, फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको बता दूँ, और ये आपका जो एग्ज़ाम फीस था वो तो भरा ही जा रहा है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई, और असाइनमेंट की भी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और
आराम से अपना असाइनमेंट बनाते रहिए। जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा, अगर आगे ज़रूरत नहीं पड़ी तो, अगर ओपन होगा सभी चीज़ें पैरेलल होंगी, तो आप अपना असाइनमेंट सबमिट कराइए। एग्ज़ाम फीस पहले ही भर दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप असाइनमेंट जमा कराएं फिर एग्ज़ाम फीस भरें। एग्ज़ाम इसके पहले पहले भी बता चुका हूँ मैं, आप पहले एग्ज़ाम फीस भर दो, आप अपने असाइनमेंट जमा कराते रहिएगा। असाइनमेंट कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, सारे इंपॉर्टेंस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से जाके देखें और अपना काम करते रहें। और अपने घर में रहें और सेफ रहें, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो घर से बाहर जाए, लेकिन घर में अपने बने रहें ताकि इसको हरा सकें हम COVID-19 को। तो दोस्तों बस यही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए लोग हैं, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट उनको मिलती रहेगी। आगे कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।